सो अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है। मेरा नाम है वलीद और आप देख रहे हैं वलीद व्लॉग्स। तो आज की वीडियो जा रही है एक छोटे से ट्यूटोरियल की तरफ। ट्यूटोरियल कम बल्कि एक मेथड, एक वे है कि अगर इंटरनेशनल या कोई भी क्लाइंट है उसको आपने किसी फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पर रहते हुए कुछ ऑफ़र भेजनी है, कुछ कस्टम ऑफ़र भेजनी है, तो वो कैसे भेजेंगे, ये कैसे मुमकिन है, क्योंकि क्लाइंट आपको डायरेक्ट ऑर्डर भी प्लेस कर देता है और आपसे चैट में आके बात भी करता है। उसमें आप बारगेनिंग कर सकते हैं, उसमें आप बता सकते हैं कि यार ये ऑर्डर, ये काम, ये प्रोजेक्ट या ये टास्क मैं इतने काम में करूँगा और जो आपका बजट है उसको बढ़ाएं या कम करें या जो भी है आप अपनी मर्ज़ी की इसमें कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए स्क्रीन पर चलते हैं और ज़रा देखते हैं कि किस तरह से ये हो रहा है। सबसे पहले तो ये क्लाइंट हैं, ठीक है, इन्होंने सारा कुछ मुझे लिख के भेज दिया है। ठीक है, कि ये फलां फलां जो भी है ये सारा कुछ आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो इसमें ये मेरे बेसिक पैकेज की तरफ जाना चाह रहे हैं, लेकिन मैं इनको बेसिक जो है $5 है, लेकिन डॉलर के रेट कुछ ऊपर नीचे हुए हैं तो मैं 5 से प्लस करके भेजूँगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमने जस्ट क्लिक करना है क्रिएट एन ऑफ़र। यहाँ पे आप कोई सी भी गिग अपनी देख लें, उसके मुताबिक जो आपको लगता होगा कि मैं इसके ऊपर ऑर्डर लेना चाह रहा हूँ तो आप उसी पे जाके क्लिक करें। और यहाँ पे दो ऑप्शंस आती हैं, सिंगल पेमेंट की और दूसरी माइलस्टोन्स की। तो आप सिंगल पेमेंट को मैं प्रेफर करूँगा, आप इसी पर जाएँ। माइलस्टोन्स जो है ना, ये एक डिफरेंट चीज़ है, इस पर मैं दोबारा आपको बताऊँगा। ठीक है, इसमें आपको पेमेंट जो है ना ग्रेजुअली मिलती है, एक्चुअली ये आपको वन टाइम में मिल जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने गिग सेलेक्ट कर ली अपनी, यहाँ पे आपने डिस्क्रिप्शन में लिखना है, कुछ बताना है कि उसको ये क्या आप सर्विस दे रहे हैं इस गिग में, क्या क्या, मतलब कुछ डिटेल्स लिख दें, कुछ भी लिख दें, तो जिससे वो पढ़ ले और उसको पता चल जाए, या आपको फ्यूचर में, इन फ्यूचर अपनी गिग को देखना हो या क्या क्या मैंने इसमें सर्विस दी थी, तो वो आप इसमें मेंशन कर सकते हैं कि आप क्या दे रहे हैं। ठीक है, तो कुछ लिख देते हैं इसमें। रिसेंटली इंग्लिश कहाँ हमारी अच्छी होती है, हम भी मिडिल क्लास लोग हैं, ये थोड़ी बहुत ग्रामर में आपकी परफेक्शन लाने के लिए एक अच्छी चीज़ है। ठीक है, कुछ कॉमास, पंक्चुएशन मार्क्स होते हैं, कुछ कैपिटल स्मॉल हो ही जाता है, जाहिर सी बात है, तो आप यहाँ से इसको करेक्ट कर सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा डेज, 31 मंथ तक का टाइम है, मैं इसको 3 डेज़ कर लेता हूँ कि क्लाइंट अगर बिज़ी हो जाता है, अचानक कुछ भी उसके साथ वाकियात हो जाते हैं तो वो 3 दिन के अंदर अंदर इसको एक्सेप्ट कर सकता है। उसके बाद सोर्स फाइल अगर दे रहे हैं तो चेक कर दें, साइज़ ऑफ वेरिएशंस एक दे रहे हैं या मल्टीपल दे रहे हैं, तो मैं एक दे रहा हूँ, वो ओके। उसके बाद नंबर ऑफ़ स्टाइल्स कितने,
ठीक है, तो वो भी मैं एक ही दे रहा हूँ। सोशल प्लेटफॉर्म पर यूज़ करने के लिए या इसका कुछ ऐसा ही रीज़न है तो आप इसको अगर दे सकते हैं सोशल, अगर इसकी आप इजाज़त देना चाहें तो ठीक है। बैकग्राउंड रिमूवल अगर आप दे रहे हैं तो ठीक है वो भी, यानी कि अगर आपको इसमें बैकग्राउंड रिमूव करेंगे तो ज़रूरत पड़ ही जाती है कहीं ना कहीं, तो आप इसको चेक करें। इन सारी जितनी ऑप्शंस देंगे उतने क्लाइंट हैप्पी होगा, खुश होगा और आपको दोबारा भी काम देगा, ठीक है। इसके बाद सेंड ऑफ़र कर दें, तो जब ऑफ़र चली जाती है आपके इनबॉक्स में ये आ जाता है, ठीक है। तो आपने ये देख लिया कि जब ऑर्डर सेंड आपने कर दिया, कस्टम ऑफ़र भेज दी, तो आपके इनबॉक्स में जो लास्ट मैसेज आ रहा होगा ना वो ये आ रहा होगा, ठीक है, कि आपने ये ऑफ़र इस तरह से सेंड कर दिया।
है।